मेरी बनाई वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप जरूर देख पाए। नमस्कार, इंडियन फूड में डीजी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज इंडियन फूड में डीजी के साथ 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। आज हम बनाएंगे एक ऐसी डिश जो बच्चों के फेवरेट होने के साथ साथ बनाने में आसान और झटपट तैयार हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा एक हेल्दी और घरेलू स्नैक है। इसके सामग्री बहुत सिंपल है और ये बच्चों को टिफिन में भेजने के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो चलिए ब्रेड पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेड पिज्जा बच्चों की पसंदीदा डिश है, तो बताई गई सामग्री में से आप हरी और लाल मिर्च को अपने मुताबिक घटा सकते हैं। ब्रेड पिज्जा देखने में बहुत कलरफुल है, जिसके कारण यह बच्चों को और भी अट्रैक्ट करता है। इसे सर्व करने से आप भी निश्चिंत रहेंगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स हेल्दी और नेचुरल हैं। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और अगर कोई कसर रह जाए तो इनको थोड़ा कच्चा खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। ब्रेड पिज्जा के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। आज की डिश में हम दो खास तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, जो है मोज़रेला चीज, जो एक अलग तरह की चीज है यानी पनीर की किस्म है, और दूसरी है पिज्जा सीजनिंग, जो एक मिक्सचर ऑफ हर्ब्स है। ये दोनों चीजें आपको किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएंगी। सबसे पहले प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट लें और शिमला मिर्च को काटते समय इसके सारे बीज निकाल दें। अब मोज़रेला चीज को इस तरह कद्दूकस कर लें। 100 ग्राम चीज के लिए हमने 200 ग्राम चीज की सिर्फ आधी ही ब्रिक इस्तेमाल की है। अब एक मिक्सिंग बाउल लें, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च 1/4 चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच, पिज्जा सीजनिंग 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, और 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालकर मिला दें। अब इसमें थोड़ी मोज़रेला चीज भी डालकर मिला दें। पिज्जा का मिक्सचर बहुत कलरफुल बनकर तैयार है। अब हम पिज्जा के ब्रेड लेंगे और उसपे अच्छे से केचप स्प्रेड करेंगे।
केचप लगाते समय ब्रेड के सभी कोनों और साइडों पर अच्छे से केचप लगा लें। अब इस पे तैयार किया पिज्जा का मिक्सचर लगाएं और इस तरह इसे भी ब्रेड पर अच्छे से फैला दें। अब इस पे कद्दूकस की हुई मोज़रेला चीज डालें और हर तरफ फैला लें। ब्रेड पिज्जा तवे पे सेकने के लिए तैयार हैं। अब गैस पर तवा गरम करें और इस पर थोड़ा बटर लगा लें। तवा थोड़ा गरम होने पर गैस सिम पर कर दें और हम पिज्जा सिम गैस पर ही बनाएंगे। अगर गैस की आंच बढ़ाएंगे तो ब्रेड नीचे से जल सकती है। अब इस पर तैयार की पिज्जा ब्रेड रखें और इन्हें ढककर पकाएं। ढककर पकाने से चीज अच्छे से गल जाएगी और सब्जियां भी पक जाएंगी। सिम गैस पर तकरीबन 5 मिनट में जब चीज अच्छे से गल जाए तब पिज्जा बनकर तैयार है। ब्रेड पिज्जा को इस तरह बीच में से काट लें। और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की ब्रेड पिज्जा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद। मेरी बनाई वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप जरूर देख पाएं।